वेलकम बैक माई चैनल इंडियन ग्लोबल भावना मनवाल। तो आप सबका स्वागत है हम सबके यूट्यूब फैमिली पर। और आज तारीख है 30 और दिन है बुधवार। अभी बज रहे हैं सुबह के 7। तो आप लोग बताइए आप सब कैसे हैं, और प्लीज़ कमेंट तो करिए, बताया तो करिए कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, या इसमें ये होना चाहिए था, इसमें ये नहीं होना चाहिए था। तो और मैं अभी मंदिर जाऊंगी, फिर उसके बाद ऑफिस भी जाना है। तो यहाँ पर मैं पूजा करने के बाद चली गई थी मंदिर, और मंदिर से जाने के बाद चली गई थी ऑफिस। तो चलिए मिलते हैं शाम में आपसे, चलें क्या? चलो फटाफट। फिर मैंने सोचा कि अब नियम बंद कर रही है, तब देखते हैं। एवरीवन गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? तो अभी हो रहे हैं 7:15 और मैं घर आ गई हूँ। घर में वैसे काफ़ी देर पहले आ गई थी, मैंने पूजा भी की और थोड़ा सा कुछ सामान भी खरीदना था, क्योंकि अब जैसे दिवाली लग गई है, दिवाली आ गई है, तो दिवाली तक ऐसे ही हम लोग शॉपिंग करते रहते हैं, कुछ खरीदते रहते हैं घर के लिए। और धनतेरस वाले दिन भी काफ़ी कुछ शॉपिंग होती है, बट लेकिन अभी तो मुझे अपने लिए कुछ सामान लेना था। जैसा कि मैं अपना सामान, जैसे मैंने करवा चौथ पर 20 बार कॉस्मेटिक वगैरह नहीं लिया था, तो मुझे बस वही थोड़ा बहुत सामान लेना था, क्योंकि दिवाली आ रही है, हल्का फुल्का मेकअप करने के लिए चाहिए होता है। तो और जैसा कि मैंने आपको बताया था कर देते कि मैं ज़्यादा मेकअप करती भी नहीं हूँ, बट लेकिन इस बार थोड़ा सा मन कर रहा था कि मैं लूँ और कुछ मेकअप करूँ। तो मुझे लग गई कि भूख, मैंने पूजा करने के बाद मूंगफली आ गई, तो मैंने सोचा कि इस बार किसी दिन की पहली मूंगफली खा जाए, जो कि मैं काफ़ी दिन पहले ले आया था, लेकिन टाइम में नहीं मिला। मैं सोचा चलो खा लेती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। और आज मिंजी ने कहा कि उनको एक्चुअली उनको अमित जी खाना, उनको आलू बहुत पसंद है, तो आलू की सब्ज़ी, आलू के पराठे, आलू के पेट टिक्की, तो सब चीज़ें बहुत पसंद। तो मैंने सोचा कि आलू टमाटर की सब्ज़ी, चावल और रोटी बनाए जाए, तो इसलिए मैंने आलू रख दिए उबलने के लिए। मैं पहले मूंगफली खा रही थी 2-4, फिर उसके बाद चाय बनाती हूँ। फिर मैं क्या लेके आई हूँ मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। मुझे ऐसे गरम गरम चाय ही पीने की आदत है, तो आप लोग भी पी लीजिए चाय। और मैं खा लेती हूँ पहले कुछ मूँगफली, फिर तब तक आलू हो जाएंगे, फिर मैं आलू रखे और चावल रखे हैं दिन के कुछ, जो कि मैंने सुबह बनाया था, आलू की सब्जी और रोटी बना लेती हूँ। और वैसे फैक्ट्री जाके बहुत भूख लग जाती है इस टाइम पे, ऐसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या है, हम लोगों का रूटीन बिल्कुल बंधा हुआ होता है कि सुबह इस टाइम तक नाश्ता ही करना होता है। पहले तो मुझे बिल्कुल भी नाश्ता करने की आदत नहीं थी, मैं नाश्ता करती भी नहीं थी, बट लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इंसान को अपना भी ख्याल रखना चाहिए। जब से मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब होने लगी है, तब से मैं थोड़ा अपने नाश्ते का या खाने का थोड़ा ख्याल रखती हूँ। तो और फिर दिन का भी मतलब 1 बजे का होता है, उसके बाद चाय तो रहती है ऑफिस में, पीते रहते हैं 3-4 बजे तक। और वैसे भी 4 बजे कभी कोई मिलने आ जाए, कभी कोई, तो चाय पीते रहते हैं हम लोग, बट लेकिन खाने का शाम को उस टाइम तक आते थे, भूख लग जाती, तो कई बार मैं कुछ खा भी लेती हूँ, बट कई बार नहीं खाती हूँ। तो आज सोचा चलो मैं करते हैं। हेलो
हाय बोल दो सबको। तो यहाँ पर खाना आ गया है ट्यूशन से, और कई बार होता ही है बच्चे जब भी ट्यूशन से आते हैं या स्कूल से आते हैं तो बहुत कुंता से जाते हैं, और खाना एक्चुअली बच्चों के साथ ज़्यादा घुल मिल भी नहीं पाता है तो उसका मूड वैसे भी ऑफ होता है। तो आप लोग प्लीज़, तो बस मैं उसी से पूछ रही हूँ, उसके साथ बातें कर रही हूँ यहाँ पर, और उसको मनाने की कोशिश कर रही हूँ, और शायद खेलते हुए बच्चों के साथ उसकी थोड़ा सा कुछ हो गई होगी चिढ़ाने की या जो भी, तो उस वजह से बात नहीं कर रहा है, तो उसको बस मना रही हूँ। किचन में और आलू मैंने उबाल लिए थे जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, तो बस मैंने आलू निकाल लिए हैं ठंडे होने के लिए। तब तक मैंने सोचा कि दो तीन बर्तन रखे हैं तो उनको साफ़ कर लेती हूँ, तो बस वही बर्तन वगैरह साफ़ करें। उसके बाद जैसा कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि मैं इवनिंग में जाकर जैसे गैस वगैरह एक बार साफ़ कर लेती हूँ, और कुकर जो कुकर जिसमें आलू उबाले हैं वो भी इसको साफ़ करके रख लूँगी, क्योंकि आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी जो मैं अक्सर व्रत वगैरह में बनाती हूँ, जैसा जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों से पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो बस यहीं पर यहाँ पर फटाफट से ये बर्तन धो लूँगी और उसके बाद आलू छील रही हूँ, जो जैसे कि तीन से चार आलू मैं ले लूँगी सब्जी के लिए। तो आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी व्रत वाली, जो कि अमित जी को बहुत पसंद है, और मैं इसकी रेसिपी आप लोगों से पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो उसकी रेसिपी मैं नहीं शेयर करूँगी अब यहाँ पर। तो चलिए फिर फटाफट से आलू की सब्जी बनाने के बाद, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बस ये मैंने आलू की सब्जी बना ली है, और चावल मैंने जैसे कि आप सभी को बताया दिन में ही बने रखे हैं, तो चावल मैं नहीं बनाऊँगी। बस थोड़ा सा मैंने आटा लगा रखा है सुबह, जैसे मैं नाश्ते में अक्सर कई पराठे कभी कुछ कभी कुछ बनाती हूँ, तो आलू की सब्जी और सुबह जैसे चावल बनाए थे तो चावल भी रखे, मैं थोड़ा सा आटा भी बचा हुआ, तो बस इसके मैं बनाऊँगी। इससे क्या है कि मतलब वो खाना नेक्स्ट डे के लिए बचेगा नहीं अगर मैं कुछ भी अलग, और आटा और चावल हो जाएंगे इतना, क्योंकि आज अमित जी दिन में
थोड़ा कहीं चले गए थे बाहर, तो शायद उन्होंने खाना खाया भी नहीं होगा। तो बस आप इस वीडियो का एंड करने से पहले, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि थोड़ा सा मैंने अपने लिए सामान लिया, क्योंकि जैसा कि मैं करवा चौथ के टाइम पर कॉस्मेटिक वगैरह नहीं लाई थी खरीद के, तो थोड़ा सा सामान लाई थी। मैंने बोला कि चलिए आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले अपनी ये किट, ये है, और ये TYA की है, फैशन मेकअप किट है TYA, और काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये। मैंने कई सारी देखने के बाद इसको पसंद किया। और इसमें है कि इसमें आपको कल काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे देखिए इस पे कितने सारे पेड हैं, तो काफ़ी कुछ है। ये रोज़ेस वगैरह भी हैं इसमें, गाल्स जो गालों पे लगाते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि इधर इस पे बेस पाउडर वगैरह दे रखा है, जैसे आपको मैट में लगाना है या शाइनिंग में लगाना है, तो ये डार्क शाइनिंग, ये डार्क मैट, लाइट शाइनिंग लाइट मैट है। और इसमें इधर इन्होंने 6 लिपस्टिक के सेट भी दिए हैं। लिपस्टिक वैसे मुझे कुछ खास लगी नहीं, पर फिर भी इसमें थी, और उसके अलावा जो थी सिंपल वो भी मुझे कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं है। बट लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो मुझे थी वो मुझे इनकी आई शैडो की थी, क्योंकि एक्चुअली अब त्यौहार आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें अपनी गाल आँखों पर, आँखों का मेकअप कर लेते हैं। और हम अगर अपने मेकअप में आईज का मेकअप अगर डालते हैं तो वो काफ़ी अच्छा लगता है, अगर हम हल्का फुल्का भी मेकअप कर लेते हैं। और एक्चुअली करवे पे जो मैंने मेकअप नहीं किया था स्पेशली, तो टाइम भी नहीं मिला था, बट लेकिन ये भी था कि मेरे पास आई शैडो वगैरह या आईलाइनर मस्कारा वगैरह कुछ भी नहीं था, जो कि मतलब ऐसे मैं लेती रहती हूँ, तो या जैसे पुराना हो जाता तो मैं उसको फेंक देती हूँ, या फिर कई बार जैसे पार्टी वगैरह में जाना होता है वहाँ छूट जाता है, या छोटी सिस्टर वगैरह हैं उनको ज़रूरत होती है तो उनको भी वो ले जाती हैं, मैं दे देती हूँ। तो मैंने ये लिया, फिर मैंने कहा त्यौहार भी आ रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को भी खूब अच्छे से तैयार होना चाहिए, और हमें अपने त्यौहारों का स्वागत खूब दिल से खूब अच्छे से करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि लाइफ में क्या है क्या नहीं है, तो जितना अच्छे से हम अपने त्यौहारों का वेलकम कर सकें, खूब सजे सवरे रहकर 16 श्रृंगार करके खूब अच्छे मन से खुश खुश से। तो वैसे भी मुझे मेरी एक सीक्रेट है कि अगर मुझे बहुत गुस्सा आता है या मुझे कभी लगता है कि कुछ है, तो मैं मतलब एकदम से शॉपिंग कर लेती हूँ। बट लेकिन आज मैंने किसी गुस्से के कारण ये शॉपिंग नहीं की है, ये था कि बस होता है ना कभी कभी कि हम खुद को खुद के लिए कुछ अच्छा फील करने की कोशिश करते हैं, हम जॉब जाते हैं, घर का सारा करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इस बिजी शेड्यूल से थोड़ा बहुत टाइम मुझे अपने लिए भी निकालना अच्छा लगता है। कोशिश करती हूँ कि मैं खुद को भी पैम्पर कर सकूँ, खुद को भी खुश कर सकूँ। तो काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं इसको लेने की, तो आज मैंने ये ले लिया है। तो ये पड़ी है मुझे किट, एक्सपायर है ये 2023 में, और ये इस पे किट पे प्राइस नहीं डले हुए हैं। वैसे ये भैया बोल रहे थे कि 800 की है, बट लेकिन ये मुझे आई थिंक 600 की लगाया मैंने, तो काफ़ी अच्छी थी, तो अच्छी लगी मुझे। तो और एक ये ली है मैंने आईलैशेस, जो मैं मेरे पास ये भी नहीं थी, तो वैसे ये मैंने कभी लगाई नहीं है, तो मैं इसको एक बार ट्राई करना चाह रही थी। ये मैं वैसे धनतेरस पर सोच रही थी लगाने की, क्योंकि धनतेरस पे भी हम मतलब मेरे लिए दिवाली के समान भी धनतेरस होती है, क्योंकि मैं बहुत मानती हूँ, और बहुत वैसे भी कहते हैं कि उस दिन धनलक्ष्मी देवी लक्ष्मी जी का जन्मदिन है, और कुबेर देवता भी उसी दिन पूजे जाते हैं, तो इसीलिए दिवाली के बराबर ही उसकी भी मान्यता है। तो और फिर उस दिन हम लोग अपना फैक्ट्री में उस दिन हमारे यहाँ पूजा होती है, बोनस होता है, तो उस दिन भी थोड़ा सा अच्छी फीलिंग आनी चाहिए। उस दिन मैं साड़ी पहन के जाती हूँ अक्सर फैक्ट्री में, पिछले 4-5 सालों से जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा कुछ खुद को स्पेशल फील कराया जाए। और ये है परफ्यूम, क्योंकि मेरे मेकअप में मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है, मुझे
परफ्यूम का बहुत शौक है, डिफरेंट टाइप ऑफ परफ्यूम। ये मैंने अपने लिए परफ्यूम लिया है, मैं परफ्यूम छोटी ही बॉटल आती हूँ क्योंकि अक्सर मैंने जब भी बड़ी बॉटल ली है तो वो बर्फ का जो दबाने वाला होता है वो खराब हो जाता है, तो मैं इसलिए अक्सर बड़ी बॉटल कैरी नहीं करती, क्योंकि मैं अक्सर अपने बैग में भी परफ्यूम रखती हूँ, तो कई बार अगर बॉटल का ढक्कन लूज हो और वो निकल जाए तो जो स्पिनर होता है जिस चीज़ से परफ्यूम डालते हैं जो उसका दबाने वाला होता है वो कई बार खराब हो जाता है, तो मैं अक्सर छोटी बॉटल ही लाती हूँ। और मैं डिफरेंट टाइप के रिया के भी परफ्यूम यूज़ करती हूँ, जैसे बावरी है और पार्टी टाइम है या और भी कई सारे हैं, तो मैं उन सब तो यूज़ करती हूँ। पहले मैं कोबरा का यूज़ करती थी क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, और एक थिनर ख़त्म हो गया था तो ये मैंने लिया थिनर मिस्टर का, मुझे सबसे अच्छा लगता है थिनर। चले गए, अब मैंने आप लोगों को अपनी जो छोटी सी शॉपिंग थी वो करके दिखाई, तो रिसीट भी दिखाई, और प्लीज़ 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 कमेंट करके बताएगा कि कैसा लगा, और मैं जल्दी ही आप लोगों को जैसा भी अरे तना नहीं छेड़ो नहीं बता नहीं 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 ये आपकी मतलब की चीज़ नहीं है, ये आपकी मतलब की चीज़ नहीं है ना बेटा, हाँ ये बॉय इसकी मतलब की चीज़ नहीं है, और ये मेरी चीज़ें सबसे ज़्यादा ख़राब करते हैं, उनको खोल खोल के ट्राई मारता रहेगा, तो हाँ चलो मैं चल रही हूँ बाहर। तो बस अब आप लोगों को मेरी शॉपिंग कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएगा, और ये लिपस्टिक का शेड मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, तो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताएगा। तो चले गए, फिलहाल इस वीडियो का मैं ये एंड करती हूँ, और मिलते हैं मेरे नए वीडियो के साथ। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट ज़रूर करिएगा, हाँ कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए मेरे नए वीडियोज़ के लिए, ताकि मेरे जितने भी नए वीडियोज़ हों उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिलहाल इस वीडियो का ही एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हाँ कहना बोल रहा है बाय बाय, तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।